गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास थर्ड का फोर्थ चैप्टर संज्ञा। ठीक है, आइए चित्रों में देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे तोता है, पत्ती, कोयल, सेब, अक्षिता, खुशी, झोंपड़ी, झूला, राम, गर्मी, पार्क, तोता, वृक्ष, है ना। ये सब नाम दिए हुए हैं इसमें पिक्चर में, है ना। उपयुक्त चित्रों को आपने अच्छी तरह से देखा होगा। अब आपको पता चल गया है कि इन सबके अपने अपने नाम हैं। इन्हें आप अवश्य पहचानते होंगे। व्यक्तियों के नाम, जैसे अक्षिता बोलते हैं, हमें क्या दिमाग में आता है कि एक लड़की है, भले हम जाने नहीं जाने, लेकिन नाम तो अक्षिता एक लड़की का ही है। इसी तरह राम, राम बोलते ही एक लड़के का चित्र हमारे दिमाग में आता है कि ये कोई लड़का है। इसी तरह प्राणियों के नाम, कोयल बोलते ही हमें लगता है ये पक्षी है। ठीक है, इसी तरह तोता बोलते ही हमारे दिमाग में तोते का पिक्चर आ जाता है। वस्तुओं के नाम, झूला, सेब, वृक्ष, फल, पत्ती। स्थानों के नाम, झोपड़ी, पार्क। भावों के नाम, गर्मी, खुशी, है ना। जैसे हम बोलते हैं गर्मी, तो गर्मी होते हैं हमें, जैसे आप बोला अरे गर्मी बहुत हो रही है ना, तो हम समझ गए भाव है ना, इसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले नोटबुक में हम डेफिनेशन लिखेंगे संज्ञा की, आप भी लिखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। संज्ञा के, संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे वस्तुओं के नाम, दवात, पेन, सोना, चांदी, पीतल, ठीक है, दूध, दही, पानी, पुस्तक, लोहा आदि। स्थानों के नाम, लाल किला, घर, विद्यालय, मैदान, जर्मनी, बगीचा, दिल्ली आदि। इसी तरह व्यक्तियों या प्राणियों के नाम, श्री राम, महात्मा गांधी, मैरी कॉम, जाकिर, अब्राहम, माता, पिता आदि। इसी तरह भावों के नाम, सुंदरता, वीरता, मिठास, बुढ़ापा, हरियाली, मित्रता, बचपन, मोटापा आदि। इनके अतिरिक्त फलों, फूलों, सब्जियों, दिनों, महीनों, पहाड़ों, नदियों और देशों के नाम भी संज्ञा शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं। अब ये भी आप नोटबुक में करेंगे। संज्ञा, अब हम इसके भेद समझेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक, संज्ञा। दूसरी है हमारी जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी है हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। संज्ञा ये है, संज्ञा के डेफिनेशन ये है, और संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे हम। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, या आपको भी ऐसा नोटबुक में लिखना है ताकि आपके भी समझ में आता रहे। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद ये भी लिखना आपको भी। अब मैं आपको समझाती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, हाँ, कल्पना चावला, रामायण, अक्षरधाम, ताजमहल, हवा महल, है ना।
ये हमें केवल विशेष एक विशेष व्यक्ति है, जैसे अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ, हमने बोला अमिताभ तो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, ना कि हमने बोला आदमी। आदमी में पूरी जाति आ जाती है, जबकि हमने उनका नाम लेके हमने संबोधित किया तो ये क्या आ गया, विशेष व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे धोबी, हमने किसी धोबी का नाम नहीं लिया है ना, ठीक है ना, इसमें क्या आया, केवल धोबी, तो धोबी की पूरी प्रजाति का इससे हमें पता चलता है। जैसे धोबी, धोबी में धोबी, ये धोबी है ना, ये धोबी है, या धोबी में ऐसा होता है, तो हम संपूर्ण पूरी धोबी जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसान, नदी, कुर्सी, घर, फूल आदि, ठीक है। इसी तरह पशु, पक्षी, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो पूरी पक्षी जाति, पूरी पशुओं की जाति, इससे हमें बोध होता है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष और भावों का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, ठीक है, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, हरियाली, मित्रता आदि। अब भाववाचक संज्ञा को हम कैसे समझेंगे, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह हमें, जैसे मिठास यानी मीठा है, तो हमें चख के पता चलेगा हाँ ये मीठा है, ठीक है, बुढ़ापा देख के पता चलेगा, इसका एहसास कर सकते हैं हम। इसी तरह सुंदरता, बचपन, है ना। अब आपको मुख्य बिंदु दोहराएंगे हम इसके, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, तीनों भेद मैंने आपको बता रखे हैं। इसी तरह अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे और समझेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शॉर्ट में लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। नेक्स्ट देखेंगे हम, जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण जैसे व्यक्ति में आएगा अमिताभ, बच्चन, अमिताभ बच्चन, अक्षरधाम, नेक्स्ट देखेंगे हम ताजमहल आदि आदि, ठीक है। अब इसी तरह हम समझेंगे जातिवाचक संज्ञा, अब देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा पैटर्न। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे
उदाहरण जैसे धोबी, किसान आदि। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान, वस्तु या स्थान के गुण, दोष और भावों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा संज्ञा कहलाते हैं कहलाते हैं। अब हम देखेंगे इसी तरह ये सेकंड जातिवाचक संज्ञा है जो संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द है ना। इसी तरह भाववाचक संज्ञा है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष और भावों का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अरे इंक खत्म हो गए। हम क्या देखेंगे भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान, वस्तु या स्थान के गुण दोष, ये गुण दोष और भावों का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मिठास, बुढ़ापा, बचपन आदि। ठीक है, यहाँ तक आपको नोटबुक में करना है। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य बिंदु दोहराएंगे। हम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मैंने डेफिनेशन पहले ही आपको लिखवा दी है। संज्ञा के तीन भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनको हमने इसके थ्रू समझ लिया है। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, पेज नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं मैंने इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा दी है, बट अपन फिर से एक बार क्वेश्चन में फिर से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका वर्क नोटबुक में हो जाना चाहिए। अब यहाँ से पीछे वाले क्वेश्चन आंसर यानी नोटबुक का ही वर्क है सर। आपको जो नोटबुक और बुक दोनों में करना है, आपको नोटबुक और बुक दोनों में करना है। आपको पहला क्वेश्चन है अपना, संज्ञा किसे कहते हैं। किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या
भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सेकंड देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा के दो उदाहरण देकर समझाना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा के दो उदाहरण दीजिए। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है मिठास, बुढ़ापा आदि। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो हम इन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हम सेकंड वाले का क्या समझेंगे, आंसर लिखेंगे। नोटबुक में करना है, बुक में भी फिल करना है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को या भाव के नाम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम इसे क्या कहते हैं? संज्ञा। इसी पर हमको गाइड करना है। है वाला देखेंगे हम, महेंद्र सिंह धोनी कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ पे पर्टिकुलर नाम आया है, तो ये कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महेंद्र सिंह धोनी कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, इससे राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा सेकंड का, थर्ड, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अभी हमने पढ़े संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो तीन भेद हैं, तीन पर हम राइट कर देंगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, हर वर्ग के तीन संज्ञा शब्द लिखिए। ठीक है, तीन तीन संज्ञा के शब्द लिखने हैं, जैसे जीव जंतु, व्यक्ति और वस्तु के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ तक आपको सबको नोटबुक में करना है और बुक में भी, और समय पे अपनी नोटबुक चेक करवाई है, बुक चेक करवाई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीव जंतु, पहला बनेगा कोयल, मोर, तोता। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा व्यक्ति का बनेगा हमारे राम, राधा, अक्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वस्तु,
मत सुबह बनेगा हमारे यहाँ। झूला, दवात, पेन, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर, कोष्टक में से उचित संज्ञा शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर उसका क्या है, यहाँ लिखेंगे आप मेरा खिलौना टूट गया, टूट गया है वाला लिखेंगे हम शेर जंगल का राजा है। नेक्स्ट लिखेंगे हम ताजमहल आगरा में है, घर कोयल मीठा गाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे हम, दिए गए सही गतियों के आगे राइट का और गलत के आगे रॉन्ग का निशान लगाना है, यानी गलत का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर फाइव का है, पहला संसार में सबके अपने अपने नाम होते हैं, ये सही है, सबके अपने अपने नाम होते हैं। क्या वाला लिखेंगे, संज्ञा के चार भेद हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, दिए गए सही कथनों के आगे राइट और गलत के आगे रॉन्ग का निशान लगाइए। तो कै लिखेंगे, कै संसार में सबके अपने अपने नाम होते हैं, सही है, सबके अपने अपने नाम होते हैं, राइट। सेकंड देखेंगे, संज्ञा के चार भेद होते हैं, ये गलत है, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, अभी हमने पढ़े थे इसलिए हम इसको गलत कर देंगे। अमिताभ अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन स्थान का नाम है तो क्या अमिताभ बच्चन स्थान का नाम है, नहीं, किसी व्यक्ति का नाम है, ये हम इसको रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, फल फूल वे सब्जियां वे सब्जियों के नाम
वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं, वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो राइट है, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। इनमें हमें संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आलिया पुस्तक पढ़ रही है। आलिया पुस्तक पढ़ रही है। वाले में हम देखेंगे बचपन के दिन अच्छे होते हैं, बचपन के दिन अच्छे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग वाला, तोता पिंजरे में बंद है, तोता पिंजरे में बंद है। नेक्स्ट देखेंगे हम चारों ओर हरियाली है, चारों ओर हरियाली है। अब हम इनमें से संज्ञा शब्द रेखांकित करेंगे। जैसा पहले में नाम आलिया को रेखांकित करेंगे, फिर पुस्तक को रेखांकित करेंगे, नीचे बचपन बहुवचक संज्ञा है ये, इसी तरह तोता पिंजरे दोनों को करेंगे रेखांकित, और फिर हरियाली इसको हम रेखांकित करेंगे। ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आप अपना वर्क कंप्लीट करके चेक करवाएंगे। धन्यवाद।